अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय गोरखपुर में हूं, जहां पर गोरखपुर से लोकसभा सांसद प्रत्याशी फिल्म अभिनेता रवि किशन यहां पर चुनाव मैदान में है। और गोरखपुर की जिम्मेदारी इस समय बुंदेलखंड से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष UPCLDF डॉक्टर राकेश पाल यहाँ तैनात है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी, आपकी जन अदालत न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर पूरे महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश और अब काशी विश्वनाथ की नगरी से लेके गोरखनाथ पीठ तक आप पूरा पब्लिक का जो मन है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक 4 दिन से हम यहाँ प्रवास पर हैं और यहाँ रवि किशन जी जो प्रत्याशी हैं यहाँ जो 17 से लेकर अब तक सरकार का जो असर रहा है और ये पूज महाराज जी की नगरी है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से उन्होंने पूरे अपने गोरखपुर में इन लगभग 7-8 सालों में बहुत जो काम पिछले 25 वर्षों से नहीं हुए थे वो काम उन्होंने 7-8 सालों में, और ये उसका नज़रिया देखिए जहाँ हम चल रहे हैं उससे, उसके पहले लोग बताते हैं कि इसमें वो जमी होती थी, काई जमी होती थी, जल कुंभिया लगी होती थी, कोई यहाँ डेवलपमेंट नहीं था। आज ये लग रहा है कि जैसे हम गोरखपुर का जो हमारा ये नौका विहार है वो लगता है जैसे किसी हम विदेश में आ गए हों, इस तरह का डेवलपमेंट यहाँ कर रखा है। तो ये जगह जगह हम जिन गांवों में गए हैं पिछले 4 दिनों में और आम पब्लिक से मिले हैं बैठे, उनका सबका पूज्य महाराज जी के प्रति ज़बरदस्त आस्था है और वो आस्था के प्रति ये महाराज जी को वो सारा का सारा यहाँ गोरखपुर के लोग वोट दे रहे हैं महाराज जी की आस्था में। और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को भी सराह रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये पूर्वांचल की बयार जो दो स्थान हैं बनारस और गोरखनाथ पीठ उधर काशी विश्वनाथ मंदिर, ये पूर्वांचल के दोनों हब हैं और मैं समझता हूँ कि इसकी इसका जो असर है वो पूरे पूर्वांचल पर है। तो पूर्वांचल से चल से मैं समझता हूँ कि यहाँ भाजपा का ही परचम फहराएगी और भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करेगी। जी आप पूरा बुंदेलखंड भी देख रहे हैं, उधर यूपी में देखा जाए तो 80 सीटें हैं, इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं लग रहा है? बिल्कुल, हम पिछले जो सीटें थी उससे हम बढ़ेंगे, उससे हम सीटों को हम पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जो उस NDA की सीटें हैं वो हम पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं और हम 70 के पार 75 सीटें हम लोग जीतेंगे। रवि किशन कितने वोट से चुनाव जीतेंगे, कैसा लगा आपको यहाँ? रवि किशन तो 5 लाख का आंकड़ा पार कर रहे हैं यहाँ और कोई है ही नहीं। हमें यहाँ 4 दिन से कुछ दिख ही नहीं रहा कि कोई यहाँ विपक्ष भी है, कोई विपक्ष का अति पता नहीं है। पाल समाज के भी नेता हैं तो यहाँ कितना वोट होगा लगभग? यहाँ मैं सैजनवा विधानसभा में लगा हुआ हूँ, सैजनवा विधानसभा हमारी पाल बाहुल सीट है और मैं समझता हूँ कि लगभग हमारा यहाँ 40,000 के आसपास वोट है सैजनवा में। तो ये तो यहाँ तो लगभग 99% लोग पूरी तरह से, मैं कह रहा हूँ केवल पाल समाज ही नहीं, यहाँ हर समाज पूज्य बाबा जी के साथ है और उनके साथ ही मैं समझता हूँ सारे के सारे गांव में जिस गली में जाते थे जिस गांव में जाते थे वहाँ वो कहते हम तो पहले ही से भाजपा के, हम तो महाराज जी के साथ हैं महाराज जी। तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि महाराज जी ने उनके उन समय में उनके लिए यहाँ के लोगों के लिए विकास के साथ साथ उनका जो है कानून व्यवस्था में भी जिस तरह की उन्होंने पूरे प्रदेश में और ख़ास तौर से गोरखपुर में जो स्थितियाँ थी लोगों के साथ रहे, लोगों के काम किए, लोगों की आस्था है उनके साथ, पब्लिक के साथ काम किया तो आस्था है। तो इस समय गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में हम बने हुए थे, हमारे साथ माननीय राकेश पाल जी प्रवास पर हैं, हमारे साथ बने जुड़े रहिए हमारे साथ और कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शैलेंद्र पाल और गुड्डू है। क्या लग रहा है इस बार कितने वोट चुनाव जीता रवि किशन जी को? 4 लाख प्लस रहेंगे वो। 4 लाख प्लस आएंगे? बिल्कुल।
वोटिंग बिहार कर रहे हैं इस समय आप, क्या कुछ कितना बड़ा परिवर्तन आया मुख्यमंत्री? बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, आगे देखिए क्रूज है, फिर ये होटल भी है आपका यहीं पे रामगढ़ ताल के बीचों बीच में होटल भी बना है और काफी भीड़ है, बहुत उत्साह से लोग आते हैं। यहाँ एक जंगल राज हुआ करता था, जब से पूज्य महाराज जी की सरकार आई है जंगल राज खत्म कर दिया है, गुंडा राज खत्म कर दिया है। आप देखिए कितने अच्छे सुकून अमन चैन से जी रहे हैं लोग, घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही चंद्रपाल पहलवान बासगांव मंडल उपाध्यक्ष हूँ। आपके जन अदालत गोरखपुर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पे पूज्य महाराज जी के योगी और मोदी के नाम पे कमल पूरी तरह से खिल रहा है, दूर दूर तक यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। पूर्वांचल सातवां चरण चुनाव है और सातवां चरण चुनाव है और 1 जून को पूरी जनता मन बना चुकी है कमल का फूल खिलाने के लिए। गठबंधन में अखिलेश जो जुड़े हुए हैं, अभी हमारे पाल समाज के नेता श्यामलाल पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। पश्चिम सब जब देखे हैं कि पाल बिरादरी का वोट नहीं मिल रहा है तो घबराए और तमतमाए हुए पाल समाज के नेता श्यामलाल पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन यहाँ तो पाल समाज 99% भाजपा के साथ है और कमल खिलाने के साथ है। तो राम राज्य को देखते हुए, विकास को देखते हुए, जो गोरखपुर में विकास की गंगा बह रही है, जो महाराज जी ने 25 सालों में जो काम नहीं हो पाएगा वो मात्र 7 सालों में महाराज जी ने काम किया है। प्रदेश में, पूरे देश में अगर भ्रमण करेंगे तो रोड पर कहीं आपको चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हुआ, जो जी रोड का जाल बिछा हुआ है, इससे साबित होता है कि जनता पूरी तरह मन बना चुकी है भाजपा और योगी मोदी के साथ कमल खिलाने का। बड़े भाई हम लोगों के नेता राकेश पाल जी वहां से चल के आए हैं झांसी से और यहां समाज को सहेजने और गली गली में घूम के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसके लिए आए हुए राकेश पाल जी को, आपके पूरी न्यूज़ टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जय श्री राम, जय श्री राम।